आप खड़े गोली मार दो और आपको जमा कर दो आके, सबको भी लिख के फोटो भेज देंगे कि सफाई नहीं हुआ। आप देख रहे स्टार न्यूज कोबरा पोस्ट का हिला देने वाला खुलासा, कानून के किलर। आगरा में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया हरीश शर्मा, जमीर खान और असित दीक्षित ने अपने सहायक आशीष मिश्रा के साथ। हमने आपको दिखाया फॉरेंसिक लैब का असिस्टेंट डायरेक्टर रोदास कैसे अपने मातहत मुलजिम के जरिए करता है मर्डर के हथियार का कारतूस बदलने का सौदा, किस तरह फॉरेंसिक एक्सपर्ट ही लैब की दीवारों के पीछे सच को सामने लाने के बजाय कर देते हैं सच का कत्ल। आइए आपको दिखाते हैं आगरा की फॉरेंसिक लैब के एक और कर्मचारी की काली हकीकत, जिसमें वो अपने साहब यानी लैब के साइंटिस्ट के लिए कर रहा है मर्डर के सबूत बदलने के लिए सौदेबाजी। आगरा की फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में ये सब भी हो सकता है, हम जानकर हैरान थे। हमारी हैरानी तब और बढ़ गई जब हमने और तह में जाने के लिए संपर्क करना चाहा यहाँ के एक और साइंटिस्ट से। साइंटिस्ट से तो हम आपको बाद में मिलवाएंगे, इनसे पहले मिलिए उस शख्स से जिसके जरिए हम पहुँचे उस साइंटिस्ट तक। नाम रमेश चंद और पद कैस्मैन। पिछले 37 साल से लैब में काम करने वाला रमेश बिस्रा की जांच के मकसद से यहाँ बने गैस प्लांट में बतौर गैसमैन की ड्यूटी कर चुका है, लेकिन अब प्लांट बंद होने के बाद से रमेश लेबोरेटरी के वैज्ञानिकों के लिए दलाली करता है। एक मर्डर के केस में हथियार से जुड़ी मनमाफिक लैब रिपोर्ट बनवाने की मंशा जताकर जब हम उससे मिले तो उसने भी किया पक्का वादा लैब के साइंटिस्ट से आमने सामने मिलवाने, सौदा करवाने और फिर पूरा काम करवाने का वादा। बस उसे चाहिए थे इस काम के पैसे। आप कम से कम देखिए, जैसे जो काम आपका कर देंगे आप, मेरे विषय में तो आप चिंता करने की जरूरत ही नहीं भाजी, जो आप इच्छा होगी मुझे तो कर देना। सीधी सी बात, मैं स्पष्टवादी आदमी हूँ, आपकी डायरेक्ट में बात कराऊंगा और बिल्कुल छोड़ा मेरे काम में था। भगवान जी से मुलाकात करवा दीजिए, मैं करवा सकता हूँ पर दो दिन के बाद तो बातों को समय है नहीं। अच्छा, कहाँ गए? पता नहीं, छुट्टी है। लैब में गैसमैन जैसे मामूली से ओहदे पर रहने वाला कर्मचारी लैब के वैज्ञानिक से सेटिंग करवाने को तैयार है। वो लैब जहां दूध का दूध और पानी का पानी होता है, और अदालतें लिखती हैं यहां के वैज्ञानिकों की रिपोर्ट के हिसाब से फैसले। रमेश ने हमसे पेशगी के 200 रुपए भी ले लिए। नहीं, कोई बात नहीं, अरे इसमें कुछ नहीं। देखिए बात है, अब आप हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा ना। जो भी होगा और बाकी तो जैसा आप बताएंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये तो जस्ट पैसे है, ये 200 रुपए से बाकी खर्चे पानी के लिए, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अब वो तैयार था हमें उन तक पहुंचाने के लिए जो बदल सकते हैं किसी भी गुनहगार की तकदीर, छुटला सकते हैं हकीकत को और असर डाल सकते हैं।